हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे पोर्चुगल वर्सेस चेक रिपब्लिक इन यूरो 2024। सो दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड पोर्चुगल वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन यूरो 2024 विल किक ऑफ इन एक्शन टुनाइट। इनके ग्रुप में देर इज ऑफकोर्स चेक रिपब्लिक, टर्की एंड जॉर्जिया। सो आई थिंक वेरी क्लियर फेवरेट्स हैं टू फिनिश फर्स्ट इन द ग्रुप। आई नो हमने थोड़े सरप्राइजेस देखे थे इन ग्रुप ई, जहाँ पे बेल्जियम है जो हार गई थी। वी ऑल्सो सॉ यूक्रेन लूजिंग, बट पोर्चुगल आर टू स्ट्रांग इस ग्रुप के लिए। एंड जॉर्जिया, चेक रिपब्लिक एंड टर्की, आई डोंट सी एनी ऑफ दीज टीम्स की थोड़ा सा भी प्रॉब्लम देगी इन अ फैक्ट कि हाँ पोर्चुगल फिनिश नहीं कर सकती फर्स्ट इन दिस ग्रुप। एंड आई थिंक आज के मैच में भी मैं उन्हें कंफर्टेबल विनर्स मानता हूँ। बहुत ही इंप्रेसिव क्वालिफिकेशन कैंपेन था दोस्तों। सिर्फ एक मैच था जिसमें उन्होंने गोल्स कंसीड किए थे, बाकी सारे मैचेस में पोर्चुगल ने क्लीन शीट रखी थी। एंड ऑल्सो दोस्तों, दे वन ऑल देयर क्वालिफायर्स, सारे यूरो 2024 क्वालिफायर्स जीते एंड दे वर वेरी वेरी इंप्रेसिव। उनके मैनेजर हैं रोबर्टो मार्टिनेज ऑफकोर्स, जो एक फॉर्मर बेल्जियन मैनेजर हैं, एंड ही समझ जनरली एक डिसेंट अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलते हैं। सो अगर आप मेरे प्रिडिक्शन की बात करें, आई विल गो फॉर अ 2-0 विन फॉर पोर्चुगल एंड मे बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल गेट ऑन द स्कोर शीट एज वेल। सो बात करते हैं दोस्तों अबाउट द बेसिक स्टैट्स दोनों टीम्स के फॉर द यूरो 2024 क्वालिफायर्स, फिर बात करेंगे लाइनअप्स और फिर बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन की। अगर आप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आते हैं, मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू फैंटेसी स्काउट 11 एज वेल। पहले बात करते हैं अबाउट पोर्चुगल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद 10 गोल्स वॉज द टॉप स्कोरर, अनसरप्राइजिंगली। इवन एट द एज ऑफ 39 ही इज स्टिल गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, अगर आप सुपरस्टार की बात करें पोर्चुगल टीम में, ही इज स्टिल द गाय टू गो फॉर। नाउ पोर्चुगल के लिए अगर सेकेंड हाइस्ट गोल्स की बात करें, सो ब्रूनो फर्नांडेज इज नॉट फार अवे विद 6, और फिर आते हैं जॉ फेलिक्स, बर्नार्डो सिल्वा एंड कांसेलो। उसके बाद अगर बात करें हम असिस्ट की, ब्रूनो फर्नांडेज इज ऑन 8 असिस्ट विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फिर अगर आप बात करें असिस्ट की, देयर इज बर्नार्डो सिल्वा विद 4, फिर आप बात करें इट इज रूबन नेवेस विद 3। अगर बात करें दोस्तों हम एक्स जी प्लस एक्स ए पर 90 मिनट्स की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं नंबर वन पोजीशन पे विद 1.23 पर 90 मिनट्स। फिर आते हैं डियोगो जोटा एंड ब्रूनो विद 1.03, और फिर आते हैं जॉ फेलिक्स विद 0.79। शॉट्स की अगर बात करें दोस्तों, सो यू हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद 46, ब्रूनो फर्नांडेस विद 22 एंड जॉ फेलिक्स विद 19। सो आप देख सकते हैं शॉट वॉल्यूम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कितना टेरिफिक है। चांसेस क्रिएटेड की अगर आप बात करें, सो यू हैव ब्रूनो फर्नांडेज विद 37 हु इज नंबर वन बाय फार। ऑफ कोर्स ब्रूनो फर्नांडेज दोस्तों इज समवन जो यूरोप की टॉप 5 लीग्स में लास्ट सीजन वाज द टॉप चांस क्रिएटर। सो आप देख सकते हैं कि ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस। बर्नार्डो सिल्वा डिस्टेंट सेकंड इन 14। फिर आते हैं जाओ कांसेलो विद 10। पासिस कंप्लीटेड में उनके सेंटर बैक्स नॉर्मली काफी पासिस करते हैं विद गोंकालो इनासियो 96.3, विटिनिया 91.4 पासिस आल्सो शोज यू इनका पोटेंशियल एंड रूबन डियास ऑन 88। टैकल इंटरसेप्शन वाइज देखो, जाओ कांसेलो इज ऑन 17, डैनिलो एंड पालिनिया ऑन 14 एंड ब्रूनो फर्नांडेस जो टैकल इंटरसेप्शन में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। नाउ दोस्तों बात करते हैं अबाउट चेक रिपब्लिक चेसिया। गोल स्कोरर्स में थॉमस सुचेक जो वेस्ट हैम के लिए खेलते हैं टॉप स्कोरर विद 3। सर्नी ने भी 3 गोल स्कोर करे थे विद क्रेजकी स्कोरिंग 2 गोल्स असिस्ट वाइज। वंस अगेन आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेयर्स जिनके एक असिस्ट थे विद सुचेक बीइंग अ गुड ऑप्शन एंड सुफाल एज वेल। एक्स जी प्लस एक्स ए प्लस 90 मिनट्स की बात करेंगे, सो यू हैव लिंगर, सर्नी एंड क्वांकारा जो इनके टॉप 3 में आते हैं। शॉट्स में देर इज एडम हलोजेक जो खेलते हैं बायर लेवरकुज़न के लिए, ही हैड अ वेरी डिसेंट सीजन बट नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट। सुचेक एंड क्वांकारा वंस अगेन, सुचेक के संबंध दोस्तों जो शॉट्स भी काफी ले रहे हैं, सो ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन एंड सर्नी इज इन थर्ड पोजिशन। चांसेस क्रिएटेड में इनके लेफ्ट विंग बैक जुरासेक इज नंबर 1 विद थॉमस सुचेक वंस अगेन नंबर सेकंड पोजीशन एंड सर्नी वंस अगेन इन थर्ड पोजीशन। सर्नी समझ जो काफी सेट पीसेस लेते हैं। पासेस कंप्लीटेड में क्रेचकी, साडिलेक एंड थॉमस होल्स आर द वंस जो इनके 3 टॉप पासर्स है। टैकल इंटरसेप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होने वाला है, वंस अगेन थॉमस सुचेक इज नंबर 1, फिर आते हैं होल्स और फिर आते हैं व्लाडिमीर सुफाल। सो दोस्तों लेट अस स्टार्ट विद द प्रोबेबल लाइनअप ऑफ पोर्चुगल। दिस इज द टीम जो उनकी होगी मोस्ट लाइकली। अगर आप देखें, यू हैव ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो खेलेंगे अप फ्रंट। उसके पीछे अगर आप देखेंगे, यू हैव ब्रूनो फर्नांडेस, बर्नार्डो सिल्वा विल बी ऑन द राइट, राफाएल लियाओ मोस्ट लाइकली खेलेंगे ऑन द लेफ्ट, ऑल द उनकी जगह डोंट बी सरप्राइज अगर समवन लाइक जाओ फेलिक्स ऑल्सो स्टार्ट, समवन लाइक डियोगो जोटा, बट लियाओ और फेलिक्स में से मोस्टली है, बट लियाओ इज द वन जो समझ आ रहा है कि स्टार्ट कर सकते हैं इन द लेफ्ट विंग रोल।
अगर आप देखें मिडफील्ड में यू हैव विटिनिया एंड पालिनिया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पोर्चुगल के लिए। डिफेंस में यू हैव कांसेलो, पेपे, रूबन डियाज ऑफ मैन सिटी एंड नूनो मेंडेस ऑफ पीएसजी विद डियोगो कोस्टा एज द गोलकीपर। कांसेलो इस संबंध जो बार्सिलोना के लिए राइट बैक खेलते हैं, लेफ्ट बैक खेलते हैं, बट उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो राइट बैक है, एंड ही इस संबंध जो राइट बैक खेलते हैं बहुत ही अटैकिंग जोन्स में फॉर पोर्चुगल। पेपे ऑफ कोर्स इज 41 ईयर्स ओल्ड बट ही स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। रूबन नेवेज ऑफ कोर्स मैन सिटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स हैं और नूनो मेंडेस आपको बहुत अच्छा अटैकिंग थ्रेट देते हैं। विटिनिया हैड अ वेरी वेरी गुड कैंपेन विद द पीएसजी, वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेयर्स थे उनके सीजन। एंड पालिनिया इज ऑल्सो समवन दोस्तों जो फुलम के लिए खेलते हैं बट मोस्ट लाइकली बायर्न म्यूनिख के लिए आप इनको देख सकते हैं, मोर ऑफ अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। और बात करें आप चेक की, दे विल सेट अप इन दिस थ्री एट द बैक सिस्टम विद स्टानेक एज द गोलकीपर। व्लाचेक, हरानाक एंड क्रेचकी होंगे इनके तीन सेंटर बैक्स। अगर आपको एक पिक करना है तो क्रेचकी इज द वन आई विल गो फॉर। अगर आपको विंग बैक्स देखेंगे तो जुरासेक एंड सूफाल दोनों डिसेंट ऑप्शन हैं। जुरासेक की जगह डुडेरा खेल सकते हैं, सूफाल इज द वन टू गो फॉर। अगर आप अटैकिंग पोटेंशियल की बात करें, ही संबंध जो वेस्ट हैम यूनाइटेड में खेलते हैं और इनके ऊपर ज़्यादा डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होंगी बिकॉज ये एक विंग बैक रोल में ऑपरेट करेंगे। इवन अगर आप टैकल इंटरसेप्शन नंबर देखेंगे इन द यूरो 2024 कैंपेन, क्वालिफाइंग कैंपेन, तो ही वॉज इन नंबर थ्री पोजिशन। सूचेक मेरे हिसाब से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस चेक रिपब्लिक टीम। मुझे लगता है ही इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर दिस मैच, चाहे आप डिफेंसिव वर्क की बात करें, अटैकिंग ब्लॉक की बात करें। होल्स को मैंने पिक किया है उनके साथ मिडफील्ड में। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है पोर्चुगल क्लीन शीट आएगी, रिस्क लेना है तो होल्स को ले सकते हैं बिकॉज टैकल इंटरसेप्शन वाइज ही इज गुड। प्रोवॉर्ड खेलेंगे इन द नंबर 10 रोल। एंड अप फ्रंट अगर बात करें, कुचटा के साथ हैं द मेन टैलिस्मैन गोल स्कोरिंग पैट्रिक शेक, जिन्होंने बायर लेवरकुसन के साथ एक बहुत इंप्रेसिव कैंपेन रहा था। एंड ही इस संबंध दोस्तों जो मुझे लगता है अगर चेक रिपब्लिक को कुछ भी करना है इस टूर्नामेंट में, देन पैट्रिक शेक हैज टू स्कोर द गोल्स, ऑल्सो अज्यूमिंग ही इज ऑल्सो ऑन पेनल्टीज फॉर दिस चेक रिपब्लिक टीम। ना दोस्तों चलते हैं बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच, दिस इज द टीम आई एम गोइंग फॉर। ना दोस्तों सिंपल सी बात है कि मैं पोर्चुगल को बैक कर रहा हूं एंड देर इज अ डिसेंट चांस ऑफ अ क्लीन शीट एज वेल, इसलिए दिस इज द स्ट्रक्चर आई एम गोइंग फॉर। ऑल्सो दोस्तों मेक श्योर आप टेलीग्राम मेरा जरूर फॉलो करिएगा, फैंटेसी स्काउट 11 फुटबॉल। इस पे आपको मिलेंगे अपडेटेड कॉम्बिनेशन फॉर ऑल फुटबॉल मैचेस, यूरोज एंड कोपा एज वेल। मेक श्योर आप ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। नाउ दिस इज द टीम आई एम गोइंग फॉर। और रोनाल्डो को मैंने पिक किया है, ब्रूनो फर्नांडिस को मैंने पिक किया है, बर्नार्डो सिल्वा को मैंने पिक किया है। ये तीन बहुत ही रिलायबल ऑप्शंस है दोनों फॉर दिस पोर्चुगल टीम। रोनाल्डो ऑफ कोर्स इनके टॉप स्कोरर थे, ब्रूनो फर्नांडिस इज एब्सोल्युटली इनसेन, गोल्स, असिस्ट, टैकल, इंटरसेप्शन चांसेस, क्रेडिट शॉट्स सब लेते हैं। और बर्नार्डो सिल्वा इस संबंध जो गोल कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज 3 गोल्स एंड 4 असिस्ट थे इन द क्वालिफायर्स, ही संबंध जिनके थर्ड हाईएस्ट मिनट्स थे, ही संबंध जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट करी थी, और हमें पता है दोस्तों कि इनका डिफेंसिव वर्क रेट इज ब्रिलियंट एज वेल। और अगर आप नेशनल टीम्स की बात करते हैं दोस्तों, आई थिंक रिलायबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कौन से प्लेयर्स हैं जिनको नेशनल टीम के मैनेजर्स ट्रस्ट करते हैं? सो बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, रोनाल्डो, अगर आप फ्रंट लाइन बात करें, दीज आर द प्लेयर्स जिनको बहुत ट्रस्ट मिलेगा फ्रॉम द नेशनल टीम मैनेजर। डिफेंस की अगर बात करें, तीन प्लेयर 100% रिकमेंड करूंगा, नूनो मेंडेस, जाओ कांसेलो एंड रूबन डियाज। ये तीनों प्लेयर्स मेरे को काफ़ी पसंद हैं। कांसेलो आपको बहुत अच्छा गोल और अटैकिंग थ्रेट भी दे सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है एक लो स्कोरिंग 1-0 विन टाइप होगी, देन आप कांसेलो को वीसी टाइप भी कर सकते हैं या कैप्टेंसी भी दे सकते हैं बिकॉज ये आपको अटैकिंग रिटर्न्स भी दे सकते हैं। चेक रिपब्लिक दोस्तों वाला टीम जो बहुत डिफेंसिवली सेटअप होगी एंड दे विल बी सिटिंग वेरी वेरी डीप, सो मुझे लगता है कि कांसेलो टाइप का प्लेयर इन अ क्लीन शीट सिनारियो आपको बहुत बढ़िया पॉइंट्स दे सकता है। अगर बात करें आप पेपे की, यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। इफ़ यू थिंक कि क्लीन शीट डेफिनेटली आएगी तो आप उन्हें पिक करिए बिकॉज आपको ये 20 पॉइंट क्लीन शीट के देंगे और आपको पासिंग पॉइंट्स में 80-90 पास भी दे सकते हैं। बट अगर आपको लगता है क्लीन शीट नहीं आएगी, देन आप डेफिनेटली पेपे को ड्रॉप कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर समवन लाइक राफेल लियाओ जो अप फ्रंट खेलते हैं और आपको काफ़ी अच्छा इंपैक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल, असिस्ट एंड चांसेस क्रिएटेड। राफेल लियाओ का एक इशू ये है, ऑल्दो ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर मिलान के लिए, बट पोर्चुगल के लिए इनके मिनट्स काफ़ी मैनेज होते हैं। नॉर्मली दोस्तों अराउंड 60-70 मिनट्स के बीच में इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और इनकी जगह लेट्स से जाओ फेलिक्स या फिर डियोगो जोटा टाइप का प्लेयर लाया जाता है। सिमिलर इज द प्रॉब्लम विद विटिनिया एज वेल, बहुत ही ट्रस्टेड प्लेयर है अगर आप पोर्चुगल की बात करें, अगर आप पीएसजी की बात करेंगे, बट पोर्चुगल में दोस्तों यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस इन द पोर्चुगीज टीम जो उनको टीम में रिप्लेस कर सकते हैं। प्लेयर्स लाइक रूबन नेवेज फॉर एग्जांपल कैन कम ऑन द पिच, प्लेयर्स लाइक अगर आप जाओ नेवेज की बात करें जो काफी इंटरेस्टिंग यंगस्टर है, ही कैन कम ऑन द पिच। सो दैट इज द ओनली इशू विद प्लेयर्स लाइक राफेल लियाओ, प्लेयर्स लाइक विटिनिया। इस मैच में उनको इंपैक्ट करने के लिए थोड़ा कम टाइम मिलेगा एज कम्पेयर टू द अदर रिलायबल ऑप्शंस इन दिस पोर्चुगल टीम।
अगर आप बात करें दोस्तों चेक रिपब्लिक की, सो सम रियली रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स मेरे हिसाब से, इंक्लूडिंग द गोलकीपर स्टानिक, इनके मिडफील्डर टॉमस सूचेक इज अ मस्ट हैव। उसके अलावा मैंने पिक किया है व्लाडिमीर सुफाल को, जो मुझे लगता है आपको विंग बैक के रोल में डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ अटैकिंग पोटेंशियल भी दे सकते हैं, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड मेंबर ऑफ दिस चेक टीम। पैट्रिक शेक आप ले सकते हैं, मैंने इनको पिक किया है, इवन दो क्लीन शीट आ सकती है, मुझे लगता है पैट्रिक शेक इज समवन जो इस मैच में इंपैक्ट कर सकते हैं। ही समवन जो इनके आई वुड से द बेस्ट अटैकिंग प्लेयर हैं, आई वुड से कि ही विल बी ऑन पेनल्टीज एज वेल। ही हैड अ वेरी वेरी गुड सीजन विद बायर लेवरकूजन, उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा, मुझे लगता है कि इवन दो अगर आप क्लीन शीट बैक कर रहे हैं देन आप शेक को ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मोर एक डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर्स के लिए जाना है तो आप टॉमस होल्स नाम के मिडफील्डर को ले सकते हैं, जो इनसे ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। सो ये था दोस्तों मेरा प्रीव्यू फॉर पोर्चुगल वर्सेस चेक रिपब्लिक इन यूरो 2024। ऑफ कोर्स अगर आपको वंस अगेन अपडेटेड कॉम्बिनेशन चाहिए, मेक श्योर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिएगा, फैंटेसी स्काउट 11 फुटबॉल, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिंड कमेंट एज वेल। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करेगा फैंटेसी स्काउट 11 को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। चीयर्स गाइस।